आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने लातेहार जिले के 418 सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को नोटिस भेजकर अपना सशस्त्र 9 मार्च तक अंतिम तिथि जमा करने का आदेश दिया गया था। उक्त आशय की जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि 9 मार्च तक जिले के 418 सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को सशस्त्र जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक 358 सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारक ही जमा किए हैं। जिले में 60 सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों ने अपने हथियार को विधिवत जमा नहीं किया गया है। इन सभी सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारक का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा उपायुक्त से की है। उन्होंने बताया कि इन लोगों पर लाइसेंसी हथियार अनुज्ञप्ति को रद्द कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि लातेहार जिले में 17 अपराधियों के पास लाइसेंसी अनुज्ञप्ति हथियार हैं। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल में लाइसेंस अनुज्ञप्ति धारियों को आपराधिक इतिहास एवं इनके विभिन्न थानों में कांड दर्ज होने पर सूची बनाई गई है। इन लोगों का लाइसेंस अनुज्ञप्ति हथियार जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में माओवादी गतिविधि को देखते हुए एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के उद्देश्य को लेकर सभी अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारियों को हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अपराधी इतिहास रहने के कारण इन लोगों ने हथियार जमा नहीं किया, जिसके तहत एसपी ने 17 आपराधिक मामले दर्ज होने पर उपायुक्त से अनुज्ञप्ति लाइसेंस रद्द कराने की अनुशंसा की है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और इस दौरान जो अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है उनको अपना हथियार विधिवत जमा करना होता है, उसको लेकर उपायुक्त लातेहार के द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिया गया है। उसमें जिन लोगों ने अभी तक हथियार अपना जमा नहीं किया है उनका आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने उपायुक्त लातेहार को लिखा है। और इस हम लोग ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया उसको त्वरित रूप से जमा करवा दे, ताकि जो लोकसभा के दौरान एमसीसी वायलेशंस को रोकने के लिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में चुनाव करवाने में जिला प्रशासन सफल हो। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।